हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। शो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द के पूरे 60 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में विलोम शब्द के कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के। अगर आप लोग इस क्लास को पूरी देख लेते हैं तो आपसे विलोम शब्द के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। इसमें पूरे 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न जो है मैं कहाँ से लिया हूँ? लूसेंट बुक से लिया हूँ। क्यों लिया हूँ? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हिंदी लैंग्वेज की, वो सारे क्वेश्चंस आपके लूसेंट बुक से ही आएंगे। केवल गद्यांश पद्यांश को छोड़कर जो है सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लूसेंट बुक से ही आएंगे। अगर जीके की बात करें तब भी आपके क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर वाला छोड़ दें, ठीक है, तो जितने भी बचते हैं आपके क्वेश्चन सारे के सारे लूसेंट बुक से ही आएंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना विलोम शब्द की तैयारी भी चेक कर सकते हैं, कैसे आपकी तैयारी है, ठीक है। 60 में देखिए आपका स्कोर कितना जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आलोक का विलोम शब्द क्या है। हर क्वेश्चन का जवाब आपको देते चलना है। आलोक का विलोम शब्द क्या है? तो आलोक का जो विलोम शब्द है वो है अंधकार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? ज्येष्ठ का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द बताइए, दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा कनिष्ठ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम शब्द आप लोग बताएं क्या होगा? स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्थावर का विलोम शब्द होगा आपका जंगम। ऑप्शन डी में अगर आप लोग टिक किए हैं तो आपका आंसर जो है सही है, ठीक है। उसी तरह गमन का विलोम शब्द क्या होगा? गमन का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। गमन का, तो गमन का क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मौन का विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द के क्वेश्चंस जो है आप लोग थोड़ा सा अगर सेंस लगाते हैं प्रश्न में तो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं विलोम शब्द के। मौन, मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मौन का विलोम शब्द होगा मुखर, यानी कि जो ज़्यादा बोलता हो, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये यानी कि 60 प्रश्न जो हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ध्यान से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पे वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, अभिज्ञ का जो है आपका विलोम शब्द पता करना है। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी उसी तरह करना है, रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति डॉट डॉट की व्यथा नहीं जान सकता है, किसकी व्यथा नहीं जान सकता है संपन्न व्यक्ति, ये आपको बताना है। तो संपन्न व्यक्ति जो है विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विस्तार, सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? तो विस्तार का क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? गरिमा का बताइए आप लोग, गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? नौवा क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। तो गरिमा का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा लाघिमा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा, है ना सिंपल क्वेश्चन, मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मौखिक का क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनाथ का विलोम शब्द क्या है? अनाथ का विलोम शब्द आप लोग बताएं, 11वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा अनाथ का विलोम शब्द? तो अनाथ का क्या हो जाएगा? सनाथ हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का
विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताइए ब्राह्मा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो अल्पज्ञ का मतलब होता है जो कुछ ना जानता हो, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का जो मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन बी अगर आप लोग टिक किए थे तो आपका आंसर जो है सही है। ये भी प्रश्न, सकारात्मक का विलोम शब्द क्या है? मुझे लग रहा है कि आज आपका 60 में से कम 40 स्कोर 100% जाएगा। 40 लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा और 40 प्लस स्कोर जरूर जाएगा आपका। तो सकारात्मक का क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, सम्मुख का विलोम क्या होगा? सम्मुख का, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सम्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया करते हैं यार, तो प्लीज़ वीडियो हेल्पफुल लगा करें तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी अच्छी अच्छी ऐसी ही क्लासेस आप लोगों के लिए लाता रहूं। और अभी तो मेन क्लासेस आपकी होना बाकी है, एग्ज़ाम डेट आने दीजिए, फिर धुआंधार क्वेश्चन की सीरीज हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का 15वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं, अथ का विलोम शब्द। तो अथ का विलोम शब्द होगा इति, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उर्वर का विलोम शब्द बताइए, उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? तो उर्वर का हो जाएगा ऊषर, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उर्वर का मतलब जहाँ पे कुछ बो दिया जाए तो वहाँ पे हो जाए, ऊषर का मतलब खाली जमीन पड़ी होना, ठीक है, वही मतलब होता है ऊषर का। थोक का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो आपको पता ही होगा, थोक का क्या हो जाएगा? परचून हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भूषण का विलोम शब्द क्या होगा बताइए, भूषण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 18वां क्वेश्चन का राइट आंसर, भूषण का विलोम शब्द, तो भूषण का हो जाएगा दूषण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अवनी का विलोम शब्द क्या है? अवनी का, तो जितने भी लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं अवनी का विलोम शब्द, तो वो हो जाएगा अंबर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हे का विलोम शब्द क्या है? हे का, 20वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं, हे का विलोम शब्द क्या होगा? तो हे का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा ग्रह है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट बताएं, मृदुल का विलोम शब्द, तो मृदुल का विलोम शब्द हो जाएगा रुक्ष, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? ऋणात्मक का, ये सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे इन प्रश्नों को। तो अगर आप लोग ऑप्शन ए को लॉक किए हैं, ऑप्शन ए वाले को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऋणात्मक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा धनात्मक। कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? कलुष का, 23वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं, कलुष का विलोम शब्द क्या है? तो अगर आप लोग ऑप्शन सी सिलेक्ट किए हैं निष्कलुष, तो ऑप्शन आपका सी वाला सही है। कलुष का जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा निष्कलुष, ठीक है। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंतन का, चिरंतन का विलोम शब्द बताइए, फटाफट बताएं चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो चिरंतन का क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा, ऑप्शन सी है करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सन्यासी का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा गृहस्थ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्वकीया का विलोम शब्द क्या है? श्वकीया का, तो श्वकीया का जो विलोम शब्द है वो होगा परकीया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है? एकाधिकार का, एकाधिकार का विलोम शब्द है सर्वाधिकार, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, श्री गणेश का विलोम शब्द है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? तो श्री गणेश का विलोम शब्द है इतश्री, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका बताइए आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट 29वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण, अगर ऑप्शन बी वाला लॉक किए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या है? अल्पसंख्यक क्या, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक, ऑप्शन
बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपमान का विलोम शब्द क्या है? उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? उपमान का उपमेय हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मंद का बताइए, मंद का विलोम शब्द आप लोग बताएं। 32वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो मंद का क्या हो जाएगा? द्रुत हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। 33वां क्वेश्चन, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? तो सूक्ष्म का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा स्थूल, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट 34वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? तो अधुनातन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो सृष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रलय, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुनें। आय का व्यय है कि नहीं है, सरल का कठिन है कि नहीं है, गुरु का लघु है कि नहीं है, धर्म का अधम है कि नहीं है। तो कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुनिए आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में धर्म का अधम, धर्म का अधर्म होता है, तो ठीक है यहाँ पे अधम दिया है, यहाँ पे उड़नता रा जो है नहीं लगा है, बाकी एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं तीनों, ठीक है। गुरु का लघु हो जाएगा, सरल का कठिन हो जाएगा, आय का व्यय हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अति का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, तो अति का अल्प हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्रह्मा का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ब्रह्मा का तो जीव हो जाएगा, ब्रह्मा का ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बहिरंग का तो बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? अनागत का विलोम शब्द बताएं, तो अनागत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आगत, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2004 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उत्तम का विलोम शब्द क्या है? उत्तम का विलोम शब्द आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उत्तम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अधम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अगला प्रश्न ये है, नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? नीरस का तो नीरस का हो जाएगा सरस, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? 43वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। मुख्य का जो विलोम शब्द होगा गौण होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महान का विलोम शब्द क्या है? महान का विलोम शब्द बताएं, तो महान का जो विलोम शब्द होगा वो होगा क्षुद्र, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। धनवान का विलोम शब्द क्या है? धनवान का विलोम शब्द क्या होगा बताइए, 45वां क्वेश्चन का राइट आंसर। तो धनवान का हो जाएगा आकिंचन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा बताइए, उद्दत का विलोम शब्द बताएं, 46वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। उद्दत का विलोम शब्द तो उद्दत का हो जाएगा सौम्य, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मूक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मूक का तो मूक का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा वाचाल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सही विलोम शब्द चुनिए, अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानव का विलोम शब्द बताइए, तो मानव का क्या हो जाएगा? सिंपल सा प्रश्न है, दानव, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शोषक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो शोषक का ऑप्शन बी अगर आप लोग सेलेक्ट किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। शोषक का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा ऑप्शन बी वाला, पोषक वाला, ठीक है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा बताएं, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो कृतज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा कृतघ्न, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विपत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विपत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विपत्ति का जो विलोम शब्द होगा वो होगा संपत्ति, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? अनुराग का विलोम शब्द क्या है? तो अनुराग का अगर आप लोग ऑप्शन सी वाला सेलेक्ट किए हैं, अनुराग का विलोम शब्द विराग, तो ऑप्शन बिल्कुल सी वाला करेक्ट है, विराग होगा अनुराग का विलोम शब्द। दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? दक्षिण का विलोम शब्द क्या है फटाफट बताएं, तो दक्षिण का विलोम शब्द हो जाएगा वाम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आशा का विलोम शब्द क्या है? आशा का विलोम शब्द क्या होगा बताएं,
तो आशा का विलोम शब्द हो जाएगा निराशा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो परोक्ष का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रत्यक्ष, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपेक्षा का विलोम क्या है, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अगर आप लोग ऑप्शन बी वाले को लॉक किए हैं, उपेक्षा का जो है विलोम शब्द अपेक्षा, तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपेक्षा। पाश्चात्य का विलोम शब्द बताइए आप लोग, तो पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा, अगर आप लोग पाश्चात्य का विलोम पौर्वारित्य सेलेक्ट किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, जवाब ऑप्शन सी वाला, ठीक है। शाश्वत का विलोम शब्द बताएं, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, तो शाश्वत का विलोम शब्द अगर आप लोग नश्वर को सेलेक्ट किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, नश्वर होगा शाश्वत का विलोम शब्द। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि शब्द के चार विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पे हर्ष, हर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है, तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, 60वां क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और जो भी जैसे आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपको ऐसे कमेंट नहीं करना है कि 60 का ए होगा बी होगा, ऐसे नहीं करना है। 60 का जो भी जैसे वेदना है तो वेदना आप लोग लिख लीजिएगा, विषाद है तो विषाद लिख लीजिएगा, ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिएगा तो मुझे याद रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा कमेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे आप लोगों के लिए यहाँ पे सरप्राइज है, यानी कि आंसर की भी मैं लगा देता हूँ ताकि आपको आंसर खोजने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें, और चैनल से आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेकर 2022 तक का। इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विथ शाहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिला है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905632533 पे आप लोग मैसेज करके बीएड से संबंधित इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।